राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बायसुंदरामी। ये सेकुलर प्लांट जो प्लांट है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अंगूर हो, और ये मेरे को बहुत ही प्यारा लगता था। इसको मैंने इतने ढूंढा, फिर बड़ी मुश्किल से जाके एक नर्सरी में मिला, और मैंने इसका एक छोटा सा प्लांट, बहुत छोटा सा था बिल्कुल, जैसे ये है ना नन्ना सा, ऐसे 50 रुपीज़ का उसने मेरे को दिया, और मैं इसने इसको ला के ग्रो किया। पहले तो ये चल नहीं रहा था, मेरे को बड़ी टेंशन, फिर मैंने इसको देखा और इसको काफ़ी अच्छे से परखा, और अब इसकी मैंने कई ब्रांच लगाई हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई, अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि हमें इसको कैसे लगाना। असल में इसको लगाना जितना आसान है, तो सर्दियों में बचाना उतना मुश्किल है। तो मैं आपको दोनों बातें बताती हूँ, कैसे बचाएं और कैसे लगाएं। इसकी बहुत छोटी सी एक ब्रांच हम, अगर ये जैसे मैं दिखाती हूँ, हमने ली है, ये आपने एक ब्रांच ली है इसकी, और इसको जैसे इसमें तो यहाँ तक है नहीं, दो इतने इतना इसको सिंपल सॉइल में आप ऐसे ही दबा दें। ये देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले इस छोटे से डब्बे में इसको एक दबा दिया था, और ये देखिए कितना प्यारा हो गया ये, है ना। और दूसरे में इस पे जो फर्टिलाइजर यूज करती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, जो हमारा हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है उसको मैं, ये तो ऐसे थोड़ा सा फैला के मैंने लगा दिया है, और आप देखना इसमें ही ये उग जाएगा। तो जो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट होता है ना, मैं इसको ही इसमें लिक्विड फॉर्म में देती हूँ। ऐसे ये वाला भी पौधा, ये भी सेकुलर प्लांट है, इसके भी इस टाइम कई पौधे बन सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत से पीले फूल इन पे आते हैं। बस इसका लगाने का इसका भी यही मेथड है। वैसे तो अगर आपके पास है तो कोई टेंशन नहीं है, तो किसी के पास आपको मिल जाए तो इतना सा भी मिल जाए। ये देखिए छोटे छोटे से रूटे काफ़ी बनाता है, और लगाना बिल्कुल आसान है, बस मिट्टी थोड़ी रेतीली होनी चाहिए। ये आप आराम से कैसे भी फिट कर सकते हैं। ये देखिए कटिंग से लाई थी मैं, नैनीताल गई थी। ये देखिए आपको ये वाला पौधा पिंक फ्लावर के साथ मिल जाएगा, ये ग्रीन है। तो ये छोटे छोटे से पौधे लगाने का टाइम हमारा है। बचाने की जो मैं बात कर रही थी, इसको पानी ज़्यादा ना दें इस टाइम बिल्कुल भी, पानी से गल जाते हैं, और जैसे ही कोहरा पड़े तो इनको थोड़ा सा बचा के रखें आप, कोहरे से हटा करके, या इनके ऊपर सूखी लीफ वगैरह, ये मटर के छिलके मैं बताती हूँ, वो ढक दें। तो बस आपको भी अगर ये पसंद है प्लांट तो बिल्कुल इसे लगाइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। ऐसे आप ये देखिएगा क्लंचू, इसका भी यही आलम है। तो इन पौधों को आप आराम से लगा सकते हैं, खूबसूरती के साथ साथ ग्रीननेस तो है ही, पूरा भर जाता है इसका फ्लावर पॉट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को पूरा देखें, और आप बताइएगा कि आप भी ऐसे मेथड यूज करते हैं क्या।